आज हम चने का पुलाव बना रहे हैं। हमें 1 कप चावल और 1.5 कप उबले हुए चने की जरूरत है और हमें 2 खाने के चम्मच दही चाहिए, 2 खाने के चम्मच तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 दरमियानी प्याज, मसाले में कुरी पाउडर, हल्दी पाउडर, गर्म मसाला पाउडर, मिर्च पाउडर, लौंग, इलायची, जीरा और चिकन स्टॉक। अब एक फ्राई पैन में तेल, साबुत मसाला और प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने जा रहे हैं। अब हम अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनने देंगे। इसके बाद बचा हुआ मसाला डालेंगे। अब हम अपने चने को शामिल करेंगे। अब हम इसमें दही डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम 1 कप पानी डालेंगे। अब हम उसे 10 मिनट तक पकने देंगे। अब एक राइस कुकर में हम अपने भीगे हुए चावल और चने का सालन डालेंगे। अब हमारा चने का पुलाव तैयार है।